हेलो फ्रेंड्स, आपने देखा है फ्रिज से एक वाटर बॉटल निकालने पर थोड़ी ही देर में बॉटल सरफेस पर वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देने लगते हैं। इसी तरह अगर आप कार के अंदर काफी देर एसी में बैठे हुए हैं तो बाहर निकलने पर आपके चश्मे की ग्लासेस फॉगी हो जाते हैं। इन प्रोसेसेस में एयर में प्रेजेंट वाटर वेपर कोल्ड सरफेस के कॉन्टैक्ट में आकर कंडेंस हो जाते हैं। सो बेसिकली व्हेन अ मैटर चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम गैसियस फेज टू लिक्विड फेज इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ये प्रोसेस इवेपोरेशन का बिल्कुल उल्टा होता है। इवेपोरेशन प्रोसेस के बाद बनने वाले वाटर वेपर अपर एटमोस्फियर में जाकर टेम्परेचर ड्रॉप होने के कारण कंडेंस होने लगते हैं, जिसके कारण क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। सो इन कंडेंसेशन प्रोसेस थर्मल एनर्जी इज रिलीज्ड एंड विद गिव्स हीटिंग इफेक्ट। आपने विंटर्स में नोटिस किया होगा, क्लाउडी वेदर होने पर नाइट टाइम का टेम्परेचर सब्सटेंशियली बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन ऑफ सैचुरेटेड वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। दिस वे वी लर्न बोथ कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन इन्फ्लुएंस आवर वेदर पैटर्न। Moreover, they are a very important part of our overall water cycle also. So I hope आपको कंडेंसेशन के बारे में जानकर मजा आया होगा। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। Happy Sunday, Happy Learning, Happy Diwali!